उदाहरण एक, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपये का मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 6 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी? हल। पहला, 100 रुपये का 6 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि प्रथम किश्त का ब्याज बराबर हम साधारण ब्याज के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मान रखने पर 100 × 6 × समय के स्थान पर 6/12, क्योंकि गणना वार्षिक है, और पूरे के बटे 100। दूसरा, 100 रुपये का 5 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि द्वितीय किश्त का ब्याज बराबर 100 × 6 × 5 × 1/12 पूरे के बटे 100। तीसरा, 100 रुपये का 4 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि तृतीय किश्त का ब्याज बराबर 100 × 6 × 4 × 1/12 पूरे के बटे 100। चौथा, 100 रुपये का 3 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि चतुर्थ किश्त का ब्याज बराबर 100 × 6 × 3 × 1/12 पूरे के बटे 100। पांचवा, 100 रुपये का 2 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि 5वीं किश्त का ब्याज बराबर 100 × 6 × 2 × 1/12 पूरे के बटे 100। छठवा, 100 रुपये का 1 माह का 6% की दर से ब्याज यानी कि 6वीं किश्त या हम कह सकते हैं अंतिम किश्त का ब्याज बराबर 100 × 6 × 1 × 1/12 पूरे के बटे 100। आइए सभी किश्तों का ब्याज जोड़कर कुल ब्याज ज्ञात करें। उदाहरण एक, हल। कुल ब्याज 100 बराबर हमारे पास है मूलधन 100 × 6 6 माह के लिए है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। धन, उसी तरह से मूलधन 100 है, दर 6 है, फिर हम 5 माह के निकालेंगे तो 5 × 5 माह, माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। धन, पुनः मूलधन 100 है, दर 6%, माह जो है 4 माह के लिए है, माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। उसी तरह से आगे धन, मूलधन 100 है, दर 6%, 3 माह के लिए, माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। धन, मूलधन 100 है, दर 6% है, 2 माह के लिए हमें गणना करना है, माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। अंत में मूलधन फिर से 100, दर है हमारी 6, 1 माह के लिए, माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12/100। और अंत में कोष्टक बंद कर देंगे हम, बराबर हमारा मूलधन, हमने यहाँ से कोष्टक से हम यहाँ पे 100 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, उसी तरह से दर 6%, ये भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा, और 1/12 भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, और 100 को भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो कोष्टक में हमारे पास आएगा, पहले है हमारे पास 6 माह का 6, फिर धन, ये 5 माह का 5, धन 4 माह, धन 3 माह, धन 2 माह,
और अंत में एक माह। इस तरह से कोष्टक में ये चीज़ें शेष रहेंगी बराबर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 × 6 × 1/12 / 100, और इसको हम लिख सकते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 कोष्टक के अंदर, कोष्टक बंद, बराबर 100 × 6 × 1/12 × यहाँ पे हम समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे, n कोष्टक में n धन 1/2। तो हमारे पास n क्या है यहाँ पे, 6, तो यहाँ पे हम लेंगे 6 और गुणित n धन 1, तो 6 धन 1 हुआ 7, तो 6 × 7 और फिर बटा 100 और n धन 1/2 का ये गुणा 2 लिख लेंगे हम। यहाँ पे हम लिखते हैं कोष्टक में कि समांतर श्रेणी के योग सूत्र से, यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी का योग सूत्र लगाया है, n n धन 1 बटा 2, तो यहाँ n है हमारे पास 6, n धन 1 में 6 धन 1 7 हो जाएगा और बटा 2 को हमने 100 से गुणा कर दिया। इस तरह से इसमें 100 और 100 कट जाएगा यहाँ पे, और 2 × 2 = 3 कट जाएगा, 6 × 6 = 2 कट जाएगा, 2 × 2 = 2, इस तरह से हमारे पास अंत में बचेगा 21/2, और 21/2 को जब अपन भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.50 रुपये। तो 6 माह बाद प्राप्त कुल राशि बराबर 100 रुपये 6 माह के लिए जमा किए गए थे धन, इसका ब्याज आया था 10.50 रुपये बराबर, इसका योग हो जाएगा हमारा 610.50 रुपये। तो यह इस उदाहरण का हल होगा, यह हमारा जो 6 माह बाद प्राप्त कुल राशि जो होगा 610.50 रुपये होगा, यह इस उदाहरण का हल होगा।